नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। कह रहे हैं मैं अशुद्ध हूं, बिगड़े शहजादों के, कंगना का विक्रमादित्य पर जोरदार हमला। अनुराग ठाकुर पीएम मोदी और सीएम योगी के नक्शे कदम पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। हिमाचली चेरी की धमाकेदार एंट्री, पहले दिन 250 रुपए किलो बिकी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले धन बल को जन बल से पराजित करने का वक्त। जयराम ठाकुर बोले विक्रमादित्य सिंह ज्यादा जोश में है लेकिन होश खो देंगे। विधानसभा अध्यक्ष का 3 निर्दलीय विधायकों को नोटिस, सीएम सुक्खू ने ओक ओवर में मंत्रियों संग बनाई चुनावी रणनीति। सूचना देने में देरी और आनाकानी करने के मामले में 2 अधिकारियों पर जुर्माना। सोमवार को घोषित हो सकता है हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट। हथियार रखे हैं चलाना नहीं भूले पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का जुबानी हमला। भारी बारिश और बर्फबारी से कटा पांगी का संपर्क, शिमला में ओलावृष्टि। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कंगना ने विक्रमादित्य पर वार करते हुए कहा कि महलों में रहने वाला शहजादा जनता का दुख दर्द नहीं जानता है, देवभूमि की बेटियों का अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ शिकायत की। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश एक चुनावी सभा में अपमानजनक भाषण दिया है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। हिमाचली चेरी की मंडी में धमाकेदार एंट्री हुई है। पहले ही दिन चेरी को रिकॉर्ड 250 रुपए प्रति किलो दाम मिला है। शनिवार को शिमला जिले के कुमारसेन के धना पानी से चेरी की पहली खेप ढली मंडी पहुंची। 14 बॉक्स चेरी को अधिकतम 250 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले। चेरी लेकर मंडी पहुंचे बागवान कपिल चौहान ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चेरी की बम्पर फसल है, शुरुआत में ही रिकॉर्ड रेट मिला है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे दाम मिलेंगे। कपिल ने बताया कि वे चेरी का उत्पादन बतौर नकदी फसल करते हैं, धना पानी चोरी के उत्पादन के लिए विख्यात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल कर वोट की ताकत का निरादर किया है। कांग्रेस के 6 विधायक धन बल के प्रभाव में आकर बिक गए और जनता के साथ विश्वासघात किया है। उनके स्वार्थ ने प्रदेश की जनता पर 6 विधानसभाओं में उपचुनाव का अनावश्यक बोझ डाल दिया है। प्रेस बयान में सुक्खू ने कहा है कि जनता के साथ किए गए विश्वासघात को सहन नहीं किया जाएगा, अब धन बल को जन बल से पराजित करने का वक्त आ गया है। लगभग 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश हित के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। प्रदेश में जिस तरह से मौसम बदला है, इस प्रकार पूरे प्रदेश में भी लोकसभा की 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। जब पूरा देश मान चुका है कि इस बार भी केंद्र में मोदी ही आएंगे तो हिमाचल के मंत्री वहां क्या करेंगे। एक और मैदानी क्षेत्रों में तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है, वहीं प्रदेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हिमपात व बारिश से लोग ठिठुर गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से दायर याचिका के आधार पर नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में शनिवार को मंत्रियों संग बैठक करके चुनाव रणनीति बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 6 विधायक धन बल के प्रभाव में बिक गए हैं। कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हुई लेकिन प्रदेश सरकार इसे लेकर झूठा प्रचार करी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ जोर से बोल रहे हैं और ज्यादा जोश में होश खो रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने दो अलग अलग मामलों में दो अधिकारियों पर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने में देरी करने और जानकारी नहीं देने पर पेनल्टी लगाई है। इसमें नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर 15,000 रूपए और उच्च शिक्षा निदेशालय के विशेष कार्य अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। एक शिकायत और एक अपील पर यह फैसले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सुनाए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सोमवार को जमा दो मतलब प्लस टू का तीनों संकायों का रिजल्ट घोषित कर सकता है। रविवार को अवकाश के बावजूद बोर्ड कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिजल्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। बोर्ड प्रशासन की माने तो रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को प्लस टू के तीनों संकायों आर्ट्स साइंस और कॉमर्स व्यू का रिजल्ट एक साथ घोषित हो सकता है। विधानसभा क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों में फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के प्रति जहर उगलने से बच रहे थे। दोनों ने 15 मार्च से चुप्पी साध रखी थी। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के बाद सक्रिय राजनीति से एक तरह से किनारा कर लिया था। चंबा जिला के जनजातीय विकास खंड पांगी में भारी बारिश में हिमपात से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पांगी का शेष विश्व से संपर्क कट गया है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।